अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर 8 जो हमारा चल रहा है उसका पार्ट 2 करेंगे, और इस पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कल्टीवेट अ डाइवर्स वर्कफोर्स। कल्टीवेशन का जैसे आपको मतलब पता है कि कास्ट करना, तो इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने जो डाइवर्स वर्कफोर्स है वो कैसे लेके कैसे यानी बढ़ानी कैसे है, वर्कफोर्स को प्रिपेयर कैसे करना, हाउ टू अक्वायर वर्कफोर्स, ये इसके मीनिंग है कि कैसे बढ़ाना है वर्कफोर्स को आपके अंदर, डाइवर्स वर्कफोर्स को। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं हमने पीडीएफ से, क्योंकि हम अपना कर रहे हैं काम सारा तो पीडीएफ से चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मल्टी कल्चर बनना चाह रही है या डाइवर्स वर्क फोर्स हायर करना चाह रही है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या काम किया है, ये वाला कि ऑर्गेनाइजेशन जो है टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट होने उसे होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। ये वन बाय वन इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट एंड कमिटमेंट ये होनी चाहिए। अच्छा, ये इसके लिए कमिटमेंट किस तरह की चाहिए कि जो जो टॉप मैनेजमेंट है वो कम्युनिकेट करे इम्प्लाइज को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, कि वो डाइवर्स वर्कफोर्स की फेवर में है। वो कैसे कम्युनिकेट करेगी कि इस चीज को कि डाइवर्स वर्कफोर्स वो हायर करना चाह रहे हैं या डेवलप करना चाह रहे हैं ये वाला कल्चर, तो कॉर्पोरेट जो मिशन स्टेटमेंट होती है उसके अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दे, उसको शामिल कर दे डाइवर्स फोर्स का। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट का आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप गूगल करके इसको पढ़ लें। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने की जो वजह होती है या उसका जो गोल होता है वो मिशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। फिर ये सेकंडली ये कह रहे हैं कि मैनेजेरियल कंपनसेशन के जो मैनेजर्स हैं उनको उनकी कंपनसेशन है, जो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो उनको रिवार्ड्स मिलते हैं, वो इसके साथ लिंक कर दें कि डाइवर्सिटी ऑब्जेक्टिव जो है टॉप मैनेजमेंट ने सेट किए उनको अचीव करने में हेल्प करें। फिर एडिकेट फंडिंग जो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से है डाइवर्स वर्कफोर्स के लिए वो होनी चाहिए, ताकि जो डाइवर्स वर्कफोर्स हायर करने की या डेवलप करने की एफर्ट्स ली जा रही है वो पूरी हो सके। फिर ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें ऐसे तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो कि टॉप मैनेजमेंट ले रही है डाइवर्स वर्कफोर्स के लिए। और ये कह रहे हैं कि अलोन क्योंकि कुछ ना टॉप मैनेजमेंट ना डायरेक्टर्स कुछ कुछ कर सकते हैं, डाइवर्स फोर्स के लिए पार्टिसिपेशन चाहिए। तो इसी सिलसिले में बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो रिलाई कर रही हैं एडवाइजरी ग्रुप्स, माइनॉरिटी एडवाइजरी ग्रुप, टास्क फोर्स के ऊपर। टास्क फोर्स बनाई जाती है कि जो पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस कंपनी ने बनाई है वो देखें कि किस हद तक जो है डाइवर्स वर्क फोर्स की फेवर में है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसके अंदर बता रहा है। अच्छा, एक जो वर्ड यहाँ पे डाइवर्सिटी प्रोग्राम आया, ये मैं आपको बताता हूँ। डाइवर्सिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम मीन्स के ऐसी पॉलिसी या प्रैक्टिसेस जहाँ डाइवर्स वर्क फोर्स के लिए बनाई जाती हैं, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी प्रोग्राम। बाकी डिटेल के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं कि कल्टीवेशन का देख रहे हैं कैसी होगी। ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट में क्या नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप वो कह रहे हैं मैनेजिंग डाइवर्सिटी में है कि वो अपने असेस करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कफोर्स कैसी है, कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, मीन्स के कल्चर फेवर में है कि डाइवर्स वर्कफोर्स आप रख सकते हैं, पॉलिसीज और प्रैक्टिस जो प्रेजेंट कंपनी के अंदर चल रही है वो इसकी फेवर में है, और रिक्रूटमेंट प्रमोशन बेनिफिट्स एंड कंपनसेशन जो पॉलिसीज हैं इसके ऊपर क्या वो फेवर में है डाइवर्स फोर्स के। डेमोग्राफिक ऑफ द लेबर पूल देखें, डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि जो कंपनी की जो प्रेजेंट वर्क फोर्स है या लेबर है उसकी एज देखें, रेस देखें, उसके जेंडर देखें, एजुकेशन देखें, इनकम देखें, उसकी क्या रेशियो है, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या वो इस एनवायरनमेंट के अंदर डाइवर्स वर्कफोर्स एडजस्ट कर लें या आप, तो ये मैनेजमेंट करने के लिए आपने ये चीजें असेस करनी है। अट्रैक्टिंग एम्प्लाइज जो है वो उसके लिए कि जो एचआर का काम है कि एम्प्लाइज को अट्रैक्ट करके हायर करना, तो ये अट्रैक्टिव एम्प्लाइज आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये इट इज पार्ट ऑफ हायरिंग ऑफ द एम्प्लाइज जो कि एचआर करता है। तो डाइवर्स वर्कफोर्स जो है कंपनीज अट्रैक्ट करें डाइवर्स वर्कफोर्स को, क्वालिफाइड वर्कफोर्स हायर करें, ठीक है। फिर उनके लिए इफेक्टिव रिक्रूटिंग प्रोसेस अकोमोडेटिंग एम्प्लाइज वर्क, फिर जो डाइवर्स फोर्स आज उसके वर्क को अकोमोडेट करें उनको ऐसा वर्क असाइन करें जो कि उनके लिए सूटेबल, जैसे फीमेल्स हैं उनके लिए अगर आप उनको किसी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में लगा तो सूटेबल नहीं, तो उसको ऑफिस जॉब वगैरह इस तरह को कोई अकोमोडेट उसकी एम्प्लाइज के वर्क को अकोमोडेट करें। फैमिली नीड्स देखें, क्योंकि जब मैरिड जो होती हैं फीमेल्स या फीमेल्स, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि
बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है जॉब के दौरान, जैसे मेटरनिटी लीव्स वगैरह उनको देनी चाहिए जब कोई डिलीवरी वगैरह के डेज हो तो, या बर्थ के डेज हो तो उसके में, तो ये सारी इसके अंदर अटैक्टिव इम्प्लाईज के अंदर ये चीजें ख्याल करें, पॉलिसीज बनाएं। फिर डेवलप इम्प्लाई, जो इम्प्लाई हैं आपके डाइवर्स फोर्स के अंदर, आपने उनकी स्किल ट्रेन करें, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग करें। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग जाहिर है कि डाइवर्स वर्कफोर्स के अंदर कैसे काम करना है, तो ये डाइवर्सिटी ट्रेनिंग होगी। रिटेनिंग इम्प्लाईज, जो इसमें ये बता रहा है कि जो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं उनको आप रिटेन करें, क्योंकि क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वर्कर बड़े सालों में जाकर ट्रेन होते हैं, अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो आपको उनको रिप्लेस करने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। वर्कर हायर करेंगे, उसकी ट्रेनिंग करें, बड़ा बहुत टाइम लेगा, कंपनी का बड़ा नुकसान है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजी बनाएं कि ताकि इम्प्लाईज को, ऐसी इम्प्लाईज को रिटेन किया जा सके। अच्छा जी, आगे जो है हम चलते हैं। अच्छा जी, आगे है स्टेप्स टुवर्ड मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे आगे डाइवर्सिटी की, मैनेजिंग डाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रहे हैं कि ऐसे डाइवर्सिटी मैनेज, डाइवर्सिटी मैक्सिमाइज, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पोटेंशियल एडवांटेज, मतलब कि डाइवर्स वर्क फोर्स से जो आप जितने मैक्सिमाइज मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं वो लें, और उसके रास्ते में आने वाले सारे बैरियर जो है उनको दूर करें। दिस इज कॉल्ड मैनेजिंग डाइवर्सिटी, येलो में डेफिनेशन में आप बोल्ड कर दिए। बूस्टिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, बूस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको बढ़ा कैसे कर सकते हैं, इसको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं इंप्लायर्स के लिए ना, डिफरेंट जो स्ट्रेटेजी यूज करता है इसके लिए, डाइवर्सिटी प्रोग्राम स्टार्ट करता है या कर सकता है, डिपार्टमेंटल डाइवर्सिटी मीटिंग करवा सकता है। तो अगर डाइवर्स वर्क फोर्स तो डिपार्टमेंट मीटिंग होगी उसके लिए। तो और मेंटोरिंग ग्रुप्स, मींस कि अगर कोई ऐसा है जो डाइवर्स वर्कफोर्स में अनइजी फील करे तो उसके लिए मेंटोरिंग ग्रुप्स बनाए जाए, उसके अंदर उसकी जो जो माइंड जो है जिसको कहते हैं वॉश किया जाए, उसको उसको टीच किया जाए, उसको एडवाइस किया जाए कि कैसे वर्क करना है। अगर उसके कुछ स्पेशल इश्यूज है किसी दूसरी रेस के एम्प्लाई के साथ। अच्छा जी, अभी ये देखिए मैनेजिंग डाइवर्सिटी के अंदर ये आपको जो हाथ दिखाएं, देखिए डिफरेंट कलर्स के दिखाएं कि मींस के डिफरेंट जेंडर, डिफरेंट नेशनलिटी के ये लोग, डिफरेंट रंग के लोगों को ऐसे मिला के चलना ही मैनेजिंग डाइवर्सिटी है कि वो एक दूसरे मिलके काम करें। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपका जब आप एक जॉब आई है उसके लिए आप, आपकी जस्ट क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आपका रेस, कलर, सेक्स, सेक्स मीन जेंडर, रिलीजन इस्लाम, ईसाई, ज्यूज, कुछ नहीं देखा जाएगा। नेशनल रीजन क्या, कि पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, क्या है, एज क्या है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, यंग हैं। तो इक्वल चांस हो अगर जॉब में अप्लाई करने का, और इक्वल चांस हो बीइंग हायर्ड का, के तो इसको कहते हैं इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा जी, फिर है अफिर्मेटिव एक्शन। अफिर्मेटिव एक्शन ये होते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉयर के ऊपर कोई कंपल्शन हो, कोई बाइंडिंग हो, कोई रेगुलेशन हो कि आपने जैसे 5% जो है ना अपने रिक्रूटमेंट के अंदर 5% फीमेल्स को सीट देनी है, या 5% आपने, या 1% आपने डिसेबल लोगों को हायर करना है। तो इस तरह के ये अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पढ़ लीजिएगा अफर्मेटिव एक्शन टू, ये जो मैं बता दिया है इसी तरह का ही है इसके अंदर। आगे चलते हैं, तो चैलेंजेस इन मैनेजिंग एम्प्लॉय डाइवर्सिटी में क्या आता है, तो यह है कि जो डाइवर्सिटी है उससे जिस तरह ऑर्गेनाइज को बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बॉटम लाइन में प्रॉफिट में या प्रोडक्टिव में इजाफा हो रहा है, तो वहां पे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस कौन से हैं उनको मैं वन बाय वन देखती हूँ, हाईलाइट मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, और वो है ये वाले रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखें कि यहाँ पे व्हाइट मैन का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने किसी ने बुक लिखा तो व्हाइट मैन की जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे ब्लैक भी होते हैं और डिफरेंट एथनीसिटी के लोग होते हैं। तो वो ये सिंपल हम ये बात कर लेते हैं डोमिनेंट ग्रुप वाली, ठीक है। ये डोमिनेंट ग्रुप की बात करें तो किसी भी आप जगह पे हैं, जैसे अगर आप किसी पाकिस्तानी खास सूबे में हैं, वहां पे जो वहां के लोकल लोग हैं वो डोमिनेंट ग्रुप कहलाएंगे। तो जब आप डाइवर्स वर्कफोर्स के लिए ये स्टेप्स ले रही होगी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो लोकल लोग या डोमिनेंट ग्रुप जो है अपोज जरूर करेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। अच्छा जी, आगे सेगमेंटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। सेगमेंटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क ये है कि एक ये मतलब एक कॉमन सी आप है ऑब्जर्वेशन, आप भी ऑब्जर्व किया होगा कि ज्यादातर जो कम्युनिकेशन है वो होती है बिटवीन द सेम सेक्स और सेम रेस के लोगों, मतलब अगर कोई
किसी आपको और कंट्री में बात कर कंट्री में, तो पाकिस्तानी अगर वहां पे दो मिल जाएगी तो उनकी ज्यादा कम्युनिकेशन आपस में होगी। तो ज्यादा आपने सेम सेक्स मीन्स के फीमेल टू फीमेल ज्यादा बात करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेल टू मेल ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो इसको कहते हैं सेगमेंटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है। और जी आगे है रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट में ये कहता है कि एक इक्वल एम्प्लॉयमेंट, पहले मैं बताऊँ कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और सेकंड वर्ड है फेयरनेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों सेम वर्ड है, मतलब इज आल्सो कॉल्ड फेयरनेस एम्प्लॉयमेंट, ऐसे इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, ऑल्दो के ये हो रही है ऑर्गेनाइजेशन इसको अप्लाई भी करेंगे, लेकिन क्या ये एक फोर्स चेंज है, मींस कि कभी भी लोग ये नहीं चाहेंगे कि वॉलंटरी चेंज नहीं है कि जैसे अगर मेल को कोई आप क्या नाम है हायरिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है डिस्क्रिमिनेशन इस तरह की कि फीमेल को कुछ कोटा दे दिया तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यार कोटा क्यों दे दिया, ठीक है ओपन पे कंपटीशन करें। तो इस तरह ये वॉलंटरी जो है चेंज है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को तो सपोर्ट करते हैं लेकिन इसके अंदर जो है दूसरे अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह को उसको सपोर्ट कभी भी नहीं किया जाता। तो इसके केस में रिजेंटमेंट आती है, डिसप्लेजर आती है लोगों के अंदर। अच्छा जी आगे है बैकलैश। बैकलैश क्या है? बैकलैश ये है कि जब डाइवर्स वर्कफोर्स के अंदर वीमन या माइनॉरिटीज, अच्छा जो डाइवर्स वर्कफोर्स के अंदर पॉलिसी ने प्रैक्टिस की हम बात कर रहे हैं वो अप्लाई करते ही वीमन और माइनॉरिटीज के ऊपर, जो जो डोमिनेंट ग्रुप होगा उसके लिए थोड़ी ये पॉलिसीज बनेगी। तो वीमन और माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए कोई प्लान्स, कोई प्रोग्राम ऐसे एस्टेब्लिश करती है जो उनको फेवर करती है, तो जो बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ से एक रिएक्शन आता है, उस रिएक्शन को बैकलैश कहते हैं। ठीक है। अगर आप कोई स्टेप लेते हैं और पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन आते हैं, नेगेटिव रिएक्शन आता है उसका, तो उसको बैकलैश कहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप डाइवर्स वर्कफोर्स के स्टेप्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस क्या है एचआर प्रोफेशनल की है? सबसे पहले मैं जो इंपॉर्टेंट थी मैंने हाईलाइट कर दिया, अडॉप्ट एन इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब यह है कि जो आप डाइवर्सिटी प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ रेस और जेंडर तक ना रखें, हमने जितने भी पिछले सोर्सेस थे कुछ ऐसे प्लान बनाए कि सबके ऊपर अप्लाई हो। ठीक है। जैसे सिर्फ वीमेन को और माइनॉरिटी का ना हो, बाकी जो हमने जितने सोर्स पर उन पर अप्लाई हो रहा हो। अच्छा फिर ये देखे कि टॉप मैनेजमेंट ये ऐसे शो करे या ऐसे उसको करना चाहिए कि सिर्फ उसकी कमिटमेंट डाइवर्सिटी प्रोग्राम तक ना हो, बाकी प्रोग्राम तक भी हो कि जो बाकी अदर इम्प्लाईज पे अप्लाई होते हैं। फिर इन्वॉल्व एवरी वन इंक्लूड दी व्हाइट मैन। व्हाइट मैन को वही मैंने जो बता दिया आपको, तो मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं उनको कोशिश करें डाइवर्सिटी प्रोग्राम जो बना रहे हैं उनको उसके अंदर शामिल किया जाए। अवॉइड स्टीरियोटाइपिंग ग्रुप्स ऑफ इम्प्लाईज, जो रवायती तरह के बिहेवियर वाले होते हैं, जो रिजिड टाइप होते हैं, जो जो पुरानी सोच के जिस लोग होते हैं वो डाइवर्स के फोर्स के जो बिल्कुल मुखालिफ होते हैं उनकी बात कर रहा है। अच्छा रेकग्नाइज एंड रिवार्ड व्हाइट मैन हु आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कोई डाइवर्सिटी प्रोग्राम को सपोर्ट करता है तो उसको रिवार्ड दिया जाए और उसको छोड़ दें जो जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, उसको मतलब उसके अगेंस्ट ना जाए, उसको ब्लेम ना करने लग जाए, बस जो पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है उसको रिवार्ड दें ताकि दूसरा भी उसको देख के चेंज हो जाए। अवॉइड वन टाइम ट्रेनिंग ऑफर्स, कि जैसे जी डाइवर्सिटी प्रोग्राम के ऊपर आपने ट्रेनिंग कंडक्ट की और सिर्फ वन टाइम है, मतलब एक बार ट्रेनिंग करके छोड़ दे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ट्रेनिंग जो है वो होती रहनी चाहिए। ठीक है जी आगे। अच्छा तो रोटेंशन में ये कि इसमें ये लिख रहा है कि वीमन का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन उसमें कम कम होता है वीमन और माइनॉरिटीज के अंदर किसी भी जगह काम करते हुए, रीजन बहुत सारी हो सकती है लेकिन हम सिर्फ चैलेंजेस डिस्कस कर रहे हैं। फिर आगे कंपटीशन फॉर अपॉर्चुनिटीज, जैसे को जाहिर है जैसे जैसे अभी जैसे फीमेल की जो है परसेंटेज बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन के अंदर, माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ गई है, इसकी वजह से जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटी जो उनके लिए कम है और कंपटीशन के अंदर बहुत बढ़ गया है। लो कोहेसिवनेस, लो कोहेसिवनेस का अगर सिंपल वर्ड में बताऊं कि अगर आप एक कोई टीम अ ग्रुप है आपका और अगर एक बंदे ने कोई बात की है तो उसके ऊपर सबका फौरन जो है एग्री कर लेना, किसी दूसरे ने बात की तो फौरन एग्री कर लेना, मीन्स कि एक अंडरस्टैंडिंग होना आपके उस ग्रुप के अंदर, तो उसको कहते हैं हाई कोहेसिवनेस है। और कोहेसिवनेस अगर डिसएग्री ज्यादा पाया जाता है, एक दूसरे की बात को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उसको कहते हैं लोअर कोहेसिवनेस।
ठीक है। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया, इसकी डेफिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ ये वही है। डाइवर्स वर्कफोर्स के अंदर लो कोहेसिवनेस होती है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लैंग्वेज डिफरेंस होती है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के लोग होते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, तो मिसट्रस्ट, मिसकम्युनिकेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें उससे आती हैं। फिर आगे देखें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत सारा होता है इसके अंदर, उसकी वजह भी यही है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ बैरियर, सेम लैंग्वेज ना होने की वजह से तो वो एक दूसरे को उस तरह नहीं समझते बातों के, एक दूसरे की बातों को, जैसे हम अपनी सेम लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग, इनएक्यूरेसी, स्लोनेस बहुत ज्यादा होती है। स्पीड लॉस उस वक्त होती है जब सेम लैंग्वेज हम या फ्लुएंट नहीं बोल पाते। अच्छा, डाइवर्सिटी आल्सो इंक्रीज एरर्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, डाइवर्सिटी की वही वजह है, मेजर है कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड के, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं डाइवर्सिटी में, इससे या तो मिसट्रस्ट एंड टेंशन इस वजह से आ जाती है कि जब आप किसी दूसरे कल्चर के अंदर हैं तो आप हमेशा लाइक माइंडेड लोग ढूंढते हैं, ठीक है। लाइक माइंडेड ढूंढते तो आप किसी से अटैच हो जाते हैं, तो जब अटैच हो जाते हैं तो जो दूसरे लोग होते हैं वो ये फील करते हैं कि शायद इसके रुझान जो है, इसकी टेंडेंसी उसकी तरफ है और हमें ये डिसलाइक करता है, तो ये वजह है कि मिसट्रस्ट टेंशन हो जाती है। फिर आखिरी जो है जी स्टीरियोटाइपिंग, तो स्टीरियोटाइपिंग में ये है कि जैसे हर हर इंसान जो है अपने बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के ऊपर ना, वो जो भी बात सुनता है वो उसके ऊपर जज करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने बैकग्राउंड और अपने एक्सपीरियंस को, अपने डस्ट को, वैल्यूज, कल्चर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि आप उसके उनके सामने कोई बात करेंगे तो वो उसको अपोज करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के ऊपर उसको अपोज कर रहे होते हैं। वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये बात जो है, अभी ये जो बात कर रहा है ये इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये अभी ये हुई है, तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इस तरह का ध्यान रखते हैं उसको स्टीरियोटाइपिंग होते हैं। जैसे बूढ़े लोग यंग के साथ इतना एग्री जल्दी नहीं करते, या यंग जो है बूढ़ों के साथ एग्री नहीं करते, तो स्टीरियोटाइपिंग अपने एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड के बेस पे हम एक दूसरे को पोज कर रहे होते हैं। तो डाइवर्स वर्कफोर्स के अंदर ये चैलेंज है, स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज्यादा होती है, डिफरेंट हमने देखा सोर्सेज के लोग होते हैं तो स्टीरियोटाइपिंग बहुत ज्यादा होती है, ये भी एक चैलेंज है। चले जी, माशाल्लाह हमने लेक्चर 8 भी खत्म कर लिया है, होगा इंशाल्लाह लेक्चर 9 के अंदर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।